तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम खेले जा रहे एक और न्यू हॉरर गेम और इस गेम का नाम है आइस स्क्रीम 4। और इस गेम के पिछले पार्ट आपने 1, 2, 3 नहीं देखे तो फटाफट जाओ और देखो भाई साहब, उसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के इस गेम के अंदर मेरे 3 फ्रेंड मतलब रोड उनको पकड़ के अपनी जो मेन फैक्ट्री है आइसक्रीम वाली उसके अंदर किडनेप कर लिया, केज के अंदर उनको बंद कर दिया। और रोड ने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर की कि वो मेरे को भी पकड़ के इस फैक्ट्री के अंदर लेके आ गया। और भाई साहब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो भाई साहब मैं कुछ भी करके मेरे फ्रेंड्स को लेके ही जाऊंगा, तभी मेरे को सुकून मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले वीडियो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो इस चैनल पर। लेट्स गो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर वे निकल चुकी है फैक्ट्री के पार। ओके, फैक्ट्री के अंदर मेरे को फाइनली ये लेके आ गया। बट यार ये सबसे बड़ी गलती है रोड की, सच्ची बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आ गया ना भाई, अभी मैं मेरे फ्रेंड को छुड़ा के लेके ही दम लूँगा। तो अभी वाह यार, इसको इतना बड़ा पुतला बना हुआ है यहाँ पर। और दरवाज़ा भी मतलब है एंटीक पीस यार, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक है, सच्ची बता रहा हूँ। ओके, फैक्ट्री के अंदर हमारी वेन जा रही है और अभी आगे का देखते हैं भाई गेम में कितना मज़ा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना दोस्तों। ओ भाई साहब, यहाँ पर रोड मेरे को लिफ्ट के अंदर लेके आ गया है। अभी रोड तेरी बैंड बजाऊंगा मैं। मेरे को केज के अंदर बन गया और इसके अंदर भाई साहब मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। पहले पार्ट के अंदर तो मैं बहुत दुबला पतला था और इसके अंदर भाई साहब देखो गोलू मोलू बन के बैठा हूँ आराम से। और भाई साहब अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बट लास्ट में मेरे को खुशी भी होगी थोड़ी सी। ओके, ओ भाई साहब यहाँ पर इतने सारे केजेस और ले दे के मेरे फ्रेंड्स को ही पकड़ा है भाई। ओके, ये मोटू ज़्यादा उछल रहा है भाई, इसको मतलब बार बार पकड़ता है भाई, इसकी तो मतलब क्या ही पता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा तंग किया है। और अभी ये क्या बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। अभी तेरी खुशी कुछ सेकंडों की, कुछ मिनटों की बोल सकता हूँ मैं, सेकेंडों की तो नहीं बोल सकता। और भाई साहब इसके पीछे जो पिंक रूम है ना, इसका जो सीक्रेट रूम है उसके अंदर मेरे को झाँके एक बार की देखना है कि इसके अंदर है क्या, मतलब पता लगाना पड़ेगा। कभी ना कभी तो मैं पता लगाऊंगा कि इसके अंदर होने वाला क्या है। ओके, वो बोल तो रहा है कि भाई सीक्रेट है, इसमें सीक्रेट क्या है वो भी मेरे को पता चल ही जाएगा। ओके, ये अंदर जा चुका है, अभी हमारा यहाँ से निकलने का टाइम स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर केज के अंदर बंद हूँ मैं और मेरे को यहाँ से निकलना है, बट मैं निकलूँ कैसे यार। ओ ये कौन है भाई, पिद्दी सा है, बट बहुत ज़्यादा डेंजर है भाई, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। इसको पता नहीं चलना है, अगर इसको पता चल गया कि मैं बाहर आ गया हूँ तो मेरे को करंट देगा और फिर रोड को बुला लेगा, मेरे को पता है। ओके, ये बेंच पर यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, बेंच पर रेंच, वाह यार। ओके, यहाँ पर ओ ये नीचे गिर गया। ओके, इसको उठाओ फटाफट से और इस लॉक को मैं तोड़ सकता हूँ क्या। वेट, एक मारा, दो मारा और तीन मारा, तीन में कचरा। चलो यार, ये मिनी रोबोट वहीं पर जा रहा है और मेरे को भी वहीं पर जाना है भाई। ओके, हेलो मिनी रोबोट, अरे यार ये उधर ही जा रहा है, मेरे को भी इधर ही जाना। ओ यहाँ पर भी एक वेंट है, इसको खोल सकता हूँ मैं। नहीं यार, मैं एक साइड से नहीं खोल सकता, दूसरी साइड मेरे को जाना पड़ेगा, तब जाके ये खुलेगी। तो फिलहाल तो मैं इसको, ओके यार एक बार इसको चकमा देना पड़ेगा तभी जाके मैं आगे जा सकता हूँ, मतलब ये दरवाज़ा खोल सकता हूँ। अरे यार ये मिनी रोबोट इतना टाइम क्यों लगा रहा है, जल्दी से आना यार, मेरे को बाकी काम भी पड़ा है। ओके, ये आ रहा है और इसको एक बार की हूल देना पड़ेगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा वेंट के अंदर यार। ओ नो नो, वो मेरे पीछे आ रहा है, और ये रोड को पक्का भुला गया, मेरे को पक्का पता है भाई। वेट, ओ इसने सायरन बजा दिया है और रोड पक्का यहाँ पर आने वाला है। हेलो, अरे आ जा भाई अंकल। ओ यहाँ पर कट सीन है और इसके अंदर क्या होने वाला देखते हैं अभी। मैं बाहर तो निकल गया हूँ, अभी ये झांक कर क्या देख रहा है, कंट्रोल रूम। वाओ, कंट्रोल रूम ये रहा भाई, बट यहाँ पर बहुत बड़ा रोड का बॉडीगार्ड खड़ा है भाई, इसको कैसे हटाना होगा मेरे को। अगर इसको हटा दूँ ना तो मैं कंट्रोल रूम के अंदर जा सकता हूँ और जो बटन है मतलब केज खुलने का जो बटन है उसको मैं खोल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे मेरे को यार। तो अभी मेरे को सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि उसने मिनी रोबोट ने यहाँ पर सायरन बजाया था और रोड आसपास हो सकता है। और ये वेंट कहाँ पर जाती है देख लेते एक बार की। ओ, ये वेंट तो वापस ले देगा, इधर ही आ गई भाई। नहीं नहीं, मेरे को वहाँ पर नहीं जाना यार, अगर वापस है वहाँ पर चला गया मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और यहाँ पर वेट, सामने एक डोर है। वेट, रोड कहाँ से आ रहा है, अरे भाई साहब मेरे को पता था रोड यहाँ पर आएगा जरूर। ओ मैं सामने क्यों जा रहा हूँ, वेट, मैं बच गया। नहीं भाई साहब, अरे यार मेरे को झटका लग गया और रोड ने मेरे को पकड़ लिया, बट नहीं मैं भाग गया, मैं बच गया यार, बाल बच गया, सच्ची बता रहा हूँ। अरे पीछे से रोड और सामने भाई साहब मिनी रोबोट, मतलब मेरी तो लग गई थी भाई, बट बाल बच गया, बोले तो भाई साहब नसीब, किस्मत की बात है। चलो यार हाश, पीछा छूटा रोड से और रोड वहाँ पर आगे गया था ना, मेरे को यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए। और मेरे को यहाँ पर के लिए चाहिए क्रोबार, और क्रोबार मेरे को कहाँ से मिलेगा अभी तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत जल्दी मिलने वाला है। ओके, ओ नो 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 नो, ये फिर से कहाँ से आ गया, पिद्दी मेरे पीछे पड़ा है तू यार, तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अभी हम जाएंगे दूसरी साइड से और रोड शायद जा चुका यार,
शांति तो लग रही है मेरे को। लो अरे भाई साहब, मतलब ले दे के मैं हाथ आ ही गया यार। मैं घूम फिर के वापस वहीं पर आ गया, मेरे को समझ नहीं आया एक बार की। अभी मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और सेकंड बार मेरे को अभी लॉक किस चीज़ से खोलना है मेरे को पता लगाना पड़ेगा यार। और भाई साहब मैं किस्मत से एक बार बचा था ज़रूर, बट यार दूसरी बार में उसने वाट लगा दी मेरी। ओके ये रहा, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को पेंटिंग को। और यहाँ पर एक ओल्ड की है, इससे शायद ये दरवाज़ा खुल जाए, बट इसको मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ओके फाइनली ये मिनी रोड इधर ही खड़ा है यार, इसकी बैंड बजा दूंगा एक बार के मेरे हाथ में आ जाए ना कुछ भी तो इसको फोड़ दूंगा मैं। ओ मेरे को यहाँ से नहीं, मेरे को उधर से भागना पड़ेगा भाई, जल्दी से जल्दी से। ओके यहाँ से मैं फाइनली निकलूंगा, और रोड अभी शायद यहाँ पर नहीं है, या हो भी सकता है, उसका मतलब कोई भरोसा नहीं है भाई, कन्फर्म नहीं है कब कहाँ से आ जाए, कुछ भी पता नहीं है। ओके मेरे को चाहिए था क्रो बार, लेकिन क्रो बार कहाँ से मिलेगा यार, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे यार जल्दी से कुछ चीज़ें मिल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बट चलो कोई नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं। अरे यार लुखा है सच्ची बता रहा हूँ, रोड बहुत ज़्यादा लुखा है भाई। और ये मिनी रोबोट कहाँ पर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, ओ ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी से मैं क्या करने वाला हूँ मेरे को अच्छी तरीके से पता है भाई, ये स्क्रू ड्राइवर का काम करने वाली है, बट उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा नीचे जहाँ पर रोड रिपेयर करा है अपनी वैन। यार वो वैसे ख़राब तो होनी थी क्योंकि भाई दो तीन पार्ट में ये बहुत ज़्यादा घूमी इधर से उधर। तो रोड कहाँ पर है, रोड ओ यहाँ पर काम कर रहा है भाई, इसको एक बार की चकमा देना पड़ेगा मेरे को। ओ आ जा इसको आने दो, इसको पता नहीं चला क्या। हेलो रोड, अरे पकड़ ले मेरे को यार, अरे पागल आदमी। अरे भाई साहब ओ नो, मैं एक बार की यार मतलब रुक गया था वहाँ पर, मेरे को पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास लास्ट अटैम्प है, इसके अंदर मेरे को सबका सब मतलब चीज़ें सेट करनी है, और ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो मैं फ़िलहाल तो नहीं बोल सकता। चलो यहाँ से पहले तो निकलना पड़ेगा, बट निकलने के लिए अभी तीसरा चांस क्या है भाई मेरे पास। हेलो ओ ओ ओ, यहाँ पर मिनी रोबोट्स मेरे पास क्यों आया है, वेट ये चीज़ क्या है भाई, ये मेरे को उठानी है क्या। अरे रुक जा मेरे को लेने दे यार पेन। ओह ये खुद मेरी मदद करना चाहते हैं बेवकूफ़ रोड से शिकायत करनी पड़ेगी, ये खुद चल के मेरे पास आया और मेरे को पेन दे दी भाई, बट इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा बाहर अभी, इसको पहले जाने दो। ओके यार इसके पीछे से हम निकलते हैं फटाफट से और कल्टी मारते हैं, और मेरे को बहुत सारा काम पड़ा यार, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, पहले तो यार लंबी सी सांस ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लास्ट अटैम्प है और इसके अंदर मेरे को पूरा गेम एस्केप करना है, तो लेट्स गो। चलो यार अभी मेरे को कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पर, और मेरी जो ट्रॉफी थी भाई साहब वो रोड के पास है, मतलब रोड उसके नज़दीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, और रोड को तो बिल्कुल भी पता चलना ही नहीं चाहिए। रोड मिनी रोड किधर है, हेलो ओह ये इधर ही घूम रहा है भाई, इसको घूमने दो। ओके तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यार, चलो यहाँ से भागो। और रोड किधर यार, रोड अभी नीचे जा रहा है भाई साहब, मेरी बैंड बजाने के बाद ये नीचे जा रहा है आराम से, और ट्रॉफी हमारी वहीं पर घिरी हुई है। ओके चुपचाप से मेरे को बैठ के जाना पड़ेगा, मतलब इसको पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, ये अपना काम कर रहा है, अपने काम करने में व्यस्त है। ओ इसको उठाओ, और अभी मेरे को जाना है, वेट इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ओ वेट यहाँ पर क्रोबार भी है भाई, ओह ये गाड़ी के नीचे, काश कि मेरे पास चाबी होती, इसको पूरा मैं निकल लेता गाड़ी के नीचे भाई साहब, चिंता कर देता इसका। ओके इसको नीचे लो चुपचाप से, और अभी ऊपर जाते हैं, मेरे को इस वेंट को खोलना पड़ेगा भाई, और इसको खोलने के बाद मैं जाने वाला हूँ मेन फैक्ट्री, मतलब इसके नीचे या ऊपर मेरे को इतना तो पता नहीं है, शायद मैं अंडरग्राउंड में जाने वाला हूँ, और इसकी भाई साहब बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है जहाँ पर आइसक्रीम बनाता है और बेचता है, मतलब बहुत बड़ी एक होटल है। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, अभी मेरे को क्रोबार मिला था यार। ओके मैं क्रोबार बाद में लूँगा आराम से। ओह अरे यार रोड का बच्चा मेरे पीछे ही पड़ा है अभी तक, अरे यार छोड़ देना मेरे को, दो बार तो आउट कर चुका है, अभी मेरे पास लास्ट चांस है, इसमें तो मेरे को कुछ करने थे यार। इसने बोला है मिनी रोबोट संभालेंगे, बट चलो यार देखते हैं मिनी रोबोट मेरा क्या बिगाड़ते हैं, इनकी तो टट्टी निकाल दूंगा मैं। हेलो अरे मिनी रोबोट्स कहाँ पर यार, ये सफाई करने वाले मिनी रोबोट्स भी यहाँ पर बहुत सारे घूम रहे हैं, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को चाहिए होगी, वेट ये क्या है, इसके लिए मेरे को चाहिए होगा एक कार्ड, जो कि इसका जो मिनी रोबोट है सिक्योरिटी उसके पास होगा। ओ सफाई वाला वो जा रहा भाई, चलो मेरे को उधर नहीं जाना है, अगर इसने हल्ला कर दिया ना तो यहाँ पर ले दे के रोड टपक पड़ेगा भाई, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ओ यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया, वेट यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है 5, ये नंबर कहाँ पर लगने वाला है यार। जो रोड का बॉडी गार्ड था वहाँ पर एक फ्लोर टूटा हुआ था, थोड़ा सा क्रैक था, उसको मेरे को पूरा तोड़ना होगा यार, और वो किस लिए तोड़ना है वो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा एक सिलेंडर, सिलेंडर मेरे को कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी एक पासवर्ड लिखा हुआ है भाई, शायद इसके अंदर मेरे को पासवर्ड कहीं पर लगाना है, बट मेरे को ये पता नहीं है कि कहाँ पर लगाना है। ओके मेरे को कहाँ पर जाना था, मैं एक बार भूल गया यार।
यहाँ पर वेट मिनी रोबोट्स भाई साहब बाल बाल बच गया मैं। ओके इनसे बच के रहना है। यहाँ पर भी एक नंबर लिखा हुआ है 6। ओके मेरे को ये सब नंबर तो मिल चुके हैं, अभी एक लास्ट नंबर और चाहिए और बाद में हमारा पासवर्ड पूरा बन जाएगा। और यहाँ पर मेरे को 3 आइसक्रीम्स लगानी है और इसके बाद मेरे को ये कैंडी मिलने वाली है भाई। ये कैंडी मेरे को चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके कुछ भी करके मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को पूरी 3 आइसक्रीम चाहिए और कहाँ कहाँ से मिलेगी मेरे को अभी तक पता नहीं है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारा ढूंढा डांडी करने के बाद मेरे को शायद मिल जाएगी। और ये वेयर हाउस के अंदर शायद मेरे को आइसक्रीम मिल सकती है यार। यहाँ पर ओह मेरे को जहाँ तक पता है यहाँ पर एक आइसक्रीम होती है, बट अब की बार कुछ भी नहीं यार। यहाँ पर कुछ तो छोड़ना था मेरे लिए, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड और इस दरवाजे को खोलते हैं पहले तो। और यहाँ पर भी कई सारे लॉकर हैं, यहाँ के लिए मेरे को कार्ड चाहिए होगा जो कि मेरे को मिनी रोबोट के पास से मिल जाएगा। ओ ये घूम रहा ना भाई, इसको पता नहीं चलना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है कभी कभी, मतलब इसके अंदर कुछ भी अक्कल नाम की चीज़ ही नहीं है कभी कभी ऐसे। ओ ये हो गया भाई, इसका काम तो हो गया अभी। ओके इसके अंदर से मैं ले लेता हूँ कार्ड। ओके यार मेरे को कार्ड आसानी से मिल चुका है, बट इस कार्ड को मैं यूज़ अभी नहीं करूँगा, इसको पहले तो यहाँ पर रख देते हैं। और मेरे को 3 आइसक्रीमें ढूंढनी है जैसे तैसे करके, मेरे को एक भी नहीं मिली है यार, मैं क्या ही करूँ। तो अभी हम जाते हैं बाथरूम के अंदर और बाथरूम में मैंने वेट यहाँ पर येलो आइसक्रीम, वाह एक येलो आइसक्रीम मेरे को मिल चुकी है फाइनली यार। ओह वेट मिनी रोबोट मेरे पीछे पड़ा है भाई। ओके इसको पता नहीं चला है, ये ख़राब हो गया भाई, मतलब ये तामझाम इसका बिगड़ा हुआ है कुछ। तो हमें यहाँ पर एक आइसक्रीम मिल चुकी है, इसको फटाफट से यहाँ लगाओ। और एक आइसक्रीम मेरे को शायद ऊपर मिल सकती है और वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है, वही लेंगे हम। और भाई साहब यहाँ पर रोड अभी आया नहीं है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलो अभी इस बटन को दबाते हैं और जाते हैं ऊपर, जो कि हमारा शॉर्टकट रास्ता बन गया है भाई। ओके ये काफ़ी आसान रास्ता है भाई। ओ यहाँ पर एक मिनी रोबोट है, इससे बचने के लिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम देखी थी, ओह यहाँ पर भी एक रोबोट घूम रहा है भाई। यहाँ पर एक आइसक्रीम थी ना, मैंने कहाँ पर देखी थी मैं एक बार की भूल गया हूँ। वेट ये रही, वाह 2 आइसक्रीम मेरे को मिल चुकी है बहुत ज़्यादा आसानी से। और अभी तीसरी लास्ट आइसक्रीम मेरे को कहाँ से मिलने वाली है ये मेरे को जल्दी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है भाई। ओके दूसरी आइसक्रीम मैंने फाइनली लगा दी है यहाँ पर, और मेरे को लास्ट आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी यार। मैंने लगभग तो छान मार लिया, बट मेरे को कहीं पर भी दिख ही नहीं है। तो अभी हम जाएंगे वापस से वेयर हाउस के अंदर और यहाँ पर ही मेरे को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर सिलेंडर। अरे भाई साहब यही तो मेरे को चाहिए था यार, ये सिलेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे मेरे को वो दीवार ब्रेक करनी पड़ेगी और उससे क्या होगा कि वहाँ पर मैं कपड़ा लगाऊंगा, बाद में हमारा आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को यार ऊपर चढ़ने के लिए मेरे को चाहिए होगी एक चेयर, और वो चेयर मेरे को कहाँ से मिलने वाली है वेट मेरे को पता करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, अभी मेरे को जाना पड़ेगा वापस से ऊपर, क्योंकि भाई वो जो दरवाज़ा था ऊपर जहाँ पर मेरे को प्लैंक लगे हुए दिखे थे वहाँ पर मेरे को क्रोबार से खोलना पड़ेगा और वहाँ से मेरे को एक चेयर मिल सकती है यार। तो फटाफट से वापस ऊपर जाते हैं और वहाँ से क्या पता मेरे को तीसरी आइसक्रीम भी मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है यार, कोई मतलब भरोसा नहीं है। तो फटाफट से कल्टी मारते हैं और जल्दी से जो भी क्रोबार का काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आसानी से क्रोबार तो ले लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर आइसक्रीम अंकल है ही नहीं भाई, शायद वो फैक्ट्री में चला गया है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वहीं पर घुमागामी कर रहा हूँ और ये मिनी रोबोट मेरा रास्ता काट रहा है भाई, इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जल्दी इसको उकाड़ते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर से मेरे को क्या मिलता है। तो इसको फटाफट से खोलो और यहाँ पर ओ चेयर मिल गई यार मेरे को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे को दीवार तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यार ये काम होने के बाद मैं आराम से कैंडी भी हासिल कर सकता हूँ। बट यार मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को पता भी नहीं है। ओह मिनी रोबोट मेरे पास ही था भाई, बट इन्हें बाल बाल बच गया, मैं झटका नहीं दिया, अगर झटका दे देता ना तो मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो जाता था, सच्ची बता रहा हूँ। ओके यहाँ पर रखनी इस चेयर को, और इस चेयर को रखने के बाद मेरे को यह सिलेंडर वापस हाथ में लेना पड़ेगा और ऊपर चढ़ के, यहाँ पर रोड नहीं आ सकता शायद, चलो यार उसको भी देख लेंगे। मुँह पर फेंक दूंगा भाई मैं ये सिलेंडर उसके, सच्ची बता रहा हूँ। ओके फाइनली यहाँ पर मैंने फ्लोर तोड़ दिया है, मैं दीवार बोल रहा था भाई कब से मैं, ये फ्लोर है। और फ्लोर को तोड़ने के बाद मेरे को अभी लास्ट नो इससे मेरे को एलर्जी है यार। अभी मैं लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमागामी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को यार जो ब्लू आइसक्रीम है वो मेरे को दिखाई देने का नाम ही नहीं ले रही। मिलती तो यहीं पर है, बट अब की बार वेट यहीं पर थी बट मेरे को दिख ही नहीं यार, मैं नीचे देख रहा था ये ऊपर रखी हुई है। ये रोड भी भाई साहब बहुत ज़्यादा चालाक है, सब चीज़ें कहाँ पर छुपा के रखी है मेरे को पता ही नहीं है। तो फाइनली हमें कैंडी मिलने वाली है, मिनी रोबोट टाटा बाय बाय यार, मैं कैंडी लेने जा रहा हूँ। बट कैंडी मिलने से पहले भी मेरे को एक चीज़ और चाहिए होगी, और वो चीज़ क्या है वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। चलो यार यहाँ पर लगाते हैं और इस बटन को अभी दबाते हैं, इसको प्रेस करने के बाद जो अंदर कैंडी है वो यहाँ पर आके टपक जाएगी। और ये यहाँ पर रखी हुई है, तब तक के लिए मेरे को ये कार्ड वापस उठाना पड़ेगा और सबके सब लॉकर मेरे को खोलने पड़ेंगे। और लॉकर के अंदर से मेरे को मिलने वाली एक बहुत बड़ा कपड़ा, अगर वो मिल गया तो अपना काम कंप्लीट समझ लो। ओ वेट
यहाँ पर लॉकर कहाँ पर यार, मैंने बहुत सारे लॉकर तो देखे थे और यहाँ पर एक एक करके सब में चेक करना पड़ेगा और कहाँ पर ये कार्ड लगेगा मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है, कहीं पर भी लग सकता है भाई। ओ यहाँ पर चेक करते हैं। नहीं यार मेरे को पक्का पता था एक में तो मैं कभी खोल नहीं पाऊँगा। ओके इसके अंदर, अरे खुल जा भाई खुल जा जल्दी से, रोड यहाँ पर आ जाएगा चचा जी यहाँ पर आ जाएंगे। ओ यहाँ पर तो एक भी नहीं लगा। ओके यार यहाँ पर और भी लॉकर थे। ओ मिनी रोबोट टाटा बाय बाय, इसको कुछ होश ही नहीं है भाई। ओके यहाँ पर लॉकर और मैंने कहाँ पर देखे थे, ये रहे भाई साहब, इनको चेक करते हैं, इनके अंदर तो पक्का मिल ही जाएगा मेरे को यकीन है। नहीं अरे शिट यार इसके अंदर, वाह फाइनली मेरे को यार रजाई मिल गई, अब मतलब ब्लैंकेट। ओ ये रहा ना भाई कारपेट, चलो यार ये कारपेट है, मैं रजाई कुछ कुछ बोल रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं है। चलो इसको खोलो, तो अभी सबसे पहले मेरे को लेनी पड़ेगी कैंडी हाथ में और यहाँ पर इसको रखते हैं और कैंडी मेरे को चिपकानी पड़ेगी, मतलब इससे मैं ये कपड़ा जो कारपेट है मैं ऊपर चिपका सकूँगा। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ वो आपको लास्ट में पता चलेगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। चलो यार अभी जाते हैं हम ऊपर जो हमारा सीक्रेट रास्ता था वहाँ से और ये कैंडी चिपकाते हैं। रोड अंकल मेरा इतना काम हो चुका है लास्ट अटेम्प्ट में, तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। सबसे मतलब शुरू में तो मैं ऐसे ही आउट हो गया था, मतलब थोड़ा मैं मज़ा क्या खेला था, अभी मैं थोड़ा सा सीरियस हो चुका हूँ तो यार मतलब अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर मिनी रोबोट आएगा क्या, मुँह फोड़ दूंगा मैं अभी, पिद्दी सा तो है, मेरे को ये कैंडी लगाने दे यार, मैं नीचे गिरने वाला था सच्ची बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये रोबोट आराम से सो रहा है, इसको मतलब कुछ भी होश नहीं है और इसके साथ क्या होने वाला है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बुरी घटना घटने वाली है। और ये आराम से चैन की नींद सो रहा है, चल बेटा सो ले तू, तू भी क्या याद रखेगा। अभी मेरे को यहाँ से फटाफट से जाना पड़ेगा और कारपेट हमारा किधर है भाई, तो अभी भग के जाते हैं और फटाफट से कारपेट लेके आते हैं और कारपेट को यहाँ पर सेट कर देते हैं। और उसके बाद मेरे को सबके सभी जो भी पासवर्ड मिले नंबर मिले वो मेरे को सेट करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। उसको सेट करने के बाद फाइनली हमारा इतना काम हो चुका है भाई, अभी जल्दी से जल्दी इस कारपेट को यहाँ पर सेट कर देते हैं। और इस कारपेट को मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो लेट्स गो, हमारा काम हो चुका है, अभी हम जाएंगे भाग के और पासवर्ड मेरे को जितने भी दिखे थे अच्छी तरीके से उनको सेट करना पड़ेगा और मेरे को एक दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और गन लेनी पड़ेगी। और गन लेने के बाद मेरी रोबोट तेरी बैंड बजाने वाला हूँ मैं, तू याद रखेगा मेरे को और मेरा नाम दोबारा लेगा ही नहीं। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 6, ओके, और दूसरा नंबर यहीं कहीं पर था रोड के, ओ यहाँ पर 7 6 7, और यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं यार 6 7, और तीसरा नंबर ये रहा, ओके 6 7 और 3 6 7 3 5, ओके पासवर्ड मिल गया यार। और अभी इसको लगाना कहाँ पर है ये भी मेरे को अच्छी तरीके से पता है, 6 7 3 5 6 7 3 5, ओके लेट्स गो। तो अभी इसको खोलो फटाफट से और यहाँ पर एक दरवाज़ा है, यहाँ पर मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। सबसे पहले था 6 और बाद में था 7 और इसके बाद था 3, ओके और इसके बाद 5, ओके इसको खोलो फटाफट से। फाइनली दरवाज़ा खुल गया और ये गन मेरे हाथ में आ चुकी है यार, अभी इनकी बैंड बजाता हूँ मैं। ओके तो मैं वापस से सीक्रेट रास्ता लूँगा और यहाँ से शॉर्टकट ली जाके मैं इसको पहले बैंड बजाऊँगा, इसकी पहले बैंड बजाते हैं भाई, इसको पता नहीं है मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। चलो यार इसकी बैंड बज गई है, अभी बोरिस की बारी है यार, इस गार्ड का नाम है बोरिस, अभी मैंने इसका नाम लिया यार, अभी बोरिस तेरी बैंड बजाने के लिए तैयार हूँ मैं और तू भी तैयार हो जा इसको खाने के लिए। चलो यार, और इसको पता चल गया मैंने इसको मारा है भाई, ओ बट इसको ये पता नहीं था कि यहाँ पर फ्लोर टूटा हुआ है, यहाँ पर कपड़ा लगाया हुआ है भाई, तो इसकी तो टाइट टाइट फीस, इसको दिन में तारे दिख गए भाई और रात में सूरज। चलो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा है इसको मारने में। और भाई साहब पूरा मतलब रास्ता ब्लॉक करके बैठा था यार ये, मतलब बात थोड़ी ना यार, अभी इसको खोलो फटाफट से और ये बटन मेरे को दबाना है, प्रेस करना है, और इसको प्रेस करने के बाद फाइनली तीनों केजेस खुल चुके हैं और ये मैं चाहता था, मैंने करके दिखाया वो भी 1 अटेम्प्ट के अंदर भाई साहब। ओके ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे भाई और साथ ही साथ मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊं। ओ भाई साहब, अरे यार ये वापिस आ गए इनको पकड़ने के लिए। ओके ये मोटू फंस गया, ओ भाई साहब मैं समझ रहा था इसको पकड़ लेगा बट ऐसी बात नहीं है। अरे भाई साहब ये सोच क्या रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ वाली बात है, इसको पता है यहाँ से मैं भाग नहीं सकता अभी फिलहाल। ओके ये नाच रहा है बेटे, नाच ले, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये कमी भी पूरी कर दूंगा। फिलहाल तो हम केजेस से बाहर निकल चुके बट यार फैक्ट्री के बाहर नहीं निकल पाए हम, बट वो मेरे को पता नहीं है, ये हमें 5वें पार्ट के अंदर पता चलेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज के गेम प्ले अगर आपको पसंद है तो भाई दिल से एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो इस चैनल पर। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।